हेलो दोस्तों, तो आज की वीडियो में हम बनाना सीखेंगे उंधियू। ये गुजराती डिश होती है और ये सर्दियों में ही बन पाती है क्योंकि इसमें डली सब्जियां सर्दियों में ही मिलती है। तो चलिए जानते हैं इसे कैसे बनाना है। सबसे पहले हम लेंगे केला जो थोड़ा सा कच्चा और हरा हो। फिर ये सुरती पापड़ी लेंगे जो गुजरात में ही मिलती है सर्दियों के समय में। इसे फलियों की तरह हमें साफ कर लेना है इस तरीके से। हमें चाहिए होगी एक कटोरी मटर, थोड़े से आलू, रतालू माने याम। ये अंदर से काट के दिखाती हूँ, ऐसा दिखेगा। ये भी ज़्यादातर गुजरात में ही मिलता है। एक शकरकंदी, थोड़ी सी मिर्ची, थोड़ी सी अदरक, छोटे बैंगन, थोड़ी सी पत्ता लहसुन, थोड़ी सी पत्ता प्याज, एक धनिया की गांठ और एक मेथी की गांठ। मैंने यहाँ पे धनिया को साफ करके रख लिया है। सुरती पापड़ी और मटर को गर्म पानी और थोड़े से बेकिंग सोडा में डाल के रख दिया है। पत्ता प्याज और पत्ता लहसुन को बारीक काट लिया है। अदरक और मिर्ची का पेस्ट बना लिया है। केला, रतालू, शकरकंदी, आलू और बैंगन को साफ करके मोटा मोटा काट लिया है। अब हम उंधियों का मेन मसाला बनाएंगे। उसके लिए हमें चाहिए नारियल। आप फ्रेश नारियल भी ले सकते हैं, मैंने यहाँ नारियल का बुरादा लिया है। फिर मैंने पीनट्स को पीस के उसका पाउडर लिया है। खूब सारा धनिया, कटी हुई पत्ता प्याज और पत्ता लहसुन। और फिर हम इसमें डालेंगे हमारा जिंजर और मिर्ची का पेस्ट। ये मेन मसाला होता है, सारे फ्लेवर इसी मसाले में होते हैं, तो अच्छे से डालिएगा। खूब सारा धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, खूब सारा गरम मसाला, मिर्ची पाउडर और फिर इसमें हम डालेंगे चीनी। हाथ से इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ये हमारा उंधियों का मेन मसाला रेडी है। इसे हम थोड़ा सा जो हमने बैगन रखा था उसे चीरा लगा लेंगे और उसमें फिल कर देंगे। बाकी का मसाला हम लेयर कर करके सब्जी बनाएंगे। उंधियों में मेथी के पकौड़े भी डलते हैं, तो अब वो बनाएंगे। मेथी मैंने साफ करके ली, थोड़ा सा उसमें बेसन डाला, थोड़ा सा आटा डाला, फिर मैंने उसमें जिंजर और मिर्ची का पेस्ट डाला, चीनी, हल्दी, नमक स्वाद अनुसार, थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ा सा मिर्ची पाउडर, पिंच ऑफ हींग और थोड़े से सफ़ेद तिल। इसमें हम हल्का सा बेकिंग पाउडर भी डालेंगे ताकि हमारे पकौड़े एकदम फ्लफ़ी बन जाए। और बिल्कुल हल्के पानी से हम इसे गूंद लेंगे, आटे की तरह गूंद लेंगे इसको। और गूंदने के बाद हम इसे हाथ से छोटी छोटी बॉल्स बना लेंगे। उंधियों में प्रेपरेशन में ही सबसे ज़्यादा टाइम लगता है, बनाने में ज़्यादा टाइम लगता है और खाने में उससे भी ज़्यादा कम समय लगता है। मेथी की बॉल्स बनाने के बाद हमने जो अपनी सब्जियां काट के रखी थी हम उन्हें तल लेंगे। तो मैंने रतालू तल लिया है, केला तल लिया, आलू, शकरकंदी और बैंगन नहीं तलेंगे। तो आलू, रतालू, केला, मेथी के पकौड़े, शकरकंदी मैंने यहाँ सारी तल के साइड में रख ली है। अब हम सब्जी बनाने की तैयारी करेंगे। तो उसी कढ़ाई में मैंने थोड़ा तेल ले लिया है और खूब सारी अजवाइन डाल दी है। उसके बाद मैंने सुरती और मटर जो भिगो के रखी थी उसमें पानी निकाल के और थोड़ा सा उसमें जिंजर और मिर्ची का पेस्ट डाल के उसे मिक्स कर लिया है। जो हमने मेन मसाला बनाया था उसकी हम एक लेयर डालेंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ढक के प्लेट के ऊपर पानी डाल के इसे 10 मिनट तक हम पकने देंगे। ये कुछ ऐसा दिखेगा 10 मिनट बाद। आप हाथ से चेक कर लीजिएगा। सुरती पापड़ी थोड़ी सी सॉफ्ट होगी बट बहुत ज़्यादा मुलायम नहीं करनी है। फिर हम रतालू, आलू, शकरकंदी को डाल के उंधियों का मसाला डालेंगे और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद फिर से हम इसे ढक लेंगे और उसके ऊपर थोड़ा सा पानी डाल के 10 मिनट पका लेंगे। 10 मिनट पकाने के बाद ये सब अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा और फिर हम इसमें बाकी की बची केले और बैंगन डाल देंगे।
पकौड़े इसमें लास्ट में डालेंगे। सब्जी सिर्फ लेयर करनी है, ढकनी है, पकानी है, लेयर करनी है, ढकनी है, पकानी है। केला और बैंगन डालने के बाद हमने इसमें उंधियों का मसाला डाला, फिर से अच्छे से मिक्स किया, ढका, पानी डाला और 10 मिनट पका लिया। बस यही प्रोसेस है। बाकी बचे हुए हमने इसमें मेथी के पकौड़े डाल दिए और सारा का सारा बचा हुआ मसाला भी डाल दिया और इसे अच्छे से मिक्स करके ढक दिया। ढक के पानी डाल के 10 मिनट पका के वही प्रोसेस फॉलो करेंगे और उंधियों की सब्जी हमारी ये पक चुकी है। अब जब आप खाएंगे उससे पहले हम इसे फाइनल टच देंगे। तो एक छोटी कढ़ाई में आप थोड़ा सा तेल लीजिए, थोड़ा सा पानी लीजिए और उसे उबलने दीजिए। उबलने के बाद हम इसे अपनी सब्जी के ऊपर ऐसे डाल के इसे मिक्स कर लेंगे और ये फाइनल सब्जी रेडी है। मैं कहूँगी कि सब्जी को आप जल्दी बना लीजिएगा और जब आप खाएंगे तो तब तक उसमें फ्लेवर अच्छा चढ़ जाएगा। उंधियों ऐसी सब्जियाँ कि आप उसे लंबे समय तक चला सकते हैं सर्दियों में, तो इसे खूब सारी बना के रख लीजिए और इन्जॉय करिए ये खस्ता पूड़ी के साथ। और ज़रूर हमें बताइए कैसी लगी। होप यू लाइक एंड शेयर। सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।